हे गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल दमनन सबन में। आज की वीडियो में आप सभी से बात करने वाले हैं कि आपको आखिरकार सैमसंग गैलेक्सी J8 क्यों नहीं लेना चाहिए। अगर आप एक सैमसंग लवर हो, पहले यार गाली मत देना, पहले पूरा वीडियो देख लो। अगर आप फिर भी सैमसंग ही लेना चाहते हो तो आज मैं ये वीडियो सिर्फ आपके लिए बनाया हूँ कि अगर आपको J8 नहीं लेना है तो इसके बदले कौन सा सैमसंग का फोन लेना है, एकदम सेम फीचर्स के साथ सब कुछ सेम, पर यहाँ पर प्राइस आपको कम देना पड़ेगा। तो जानने के लिए आप देखते रहो आज का पूरा वीडियो। और वीडियो को शुरू करने से पहले एज यूजुअल मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यहाँ पर आप सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब बटन आपको मिल जाएगा, उसके बाद सारे कन्फ्यूजन अपने दूर कर लो। तो क्या आपको 19,000 रुपये खर्च करके एक स्नैपड्रैगन 450 प्रोसेसर वाला फ़ोन लेना चाहिए? अगर आप सोचते हो सैमसंग है भाई बढ़िया होगा, तो फिर भी आप अगर लेना चाहते हो तो ले सकते हो भाई। पर अगर आप इसके बदले आप देखो इस प्राइस सेगमेंट में, तो आपको मी का A2 मिल जाएगा जो कि 17,000 रुपये में है। आपको नोकिया का 6.1 प्लस मिल जाएगा, इससे बेटर मोबाइल है, इससे बढ़िया फ़ोन है। पर फिर भी अगर आपको सैमसंग ही लेना है तो आप देखते रहो आज का पूरा वीडियो। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी J8 जिसका प्राइस है यहाँ पर 19,000 रुपया। पर सैमसंग का और एक फ़ोन है भैया जी जिसका प्राइस है यहाँ पर 17,000 रुपया और उसका नाम है सैमसंग गैलेक्सी On8। आप एक बार कंपेयर करके देखना दोनों फ़ोन को, बिल्कुल भी कुछ आपको फ़र्क नहीं मिलेगा, रत्ती भर का आपको फ़र्क नहीं मिलने वाला है। J8 पहले लॉन्च हुआ था यहाँ पर ऑफलाइन में और On8 यहाँ पर ऑनलाइन में इसको लॉन्च कर दिया गया है। दोनों फ़ोन बिल्कुल ही सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है। आप पहले देखो यहाँ पर दोनों का डिज़ाइन आपको सेम मिलता है, पीछे के साइड आपको डुअल कैमरा मिलता है, फिंगरप्रिंट सेंसर आपको देखने को मिल जाता है और सब चीज़ एकदम डिक्टो सेम टू सेम है। पर यहाँ पर नाम अलग है, प्राइस अलग है। इसका नाम है सैमसंग गैलेक्सी On8, इसका नाम है सैमसंग गैलेक्सी J8। बस J और On का यहाँ पर फ़र्क है, प्राइस यहाँ पर 2,000 रुपया डिफरेंस है। अब मैं बात करता हूँ इसके स्पेक्स की। सबसे पहले यहाँ पर आपको 4GB का रैम और 64GB का इंटरनल स्टोरेज मिल जाएगा दोनों ही फोन्स में, और आप इसको 256GB तक एक्सपेंड कर सकते हो क्योंकि इसमें आपको डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट मिल जाता है, मतलब दो सिम और एक मेमोरी कार्ड आप एक साथ इसमें लगा सकते हो। इसमें आपको 6 इंच का HD+ डिस्प्ले मिल जाएगा जो कि AMOLED डिस्प्ले है, पर ये एक फुल HD डिस्प्ले नहीं है। फिर भी सैमसंग वाले सोचते हैं भाई फुल HD से क्या मतलब, डिस्प्ले का क्वालिटी देखो, डिस्प्ले देखो, AMOLED डिस्प्ले है, चलो डिस्प्ले बहुत अच्छा है, पर फुल HD नहीं मिलता है आपको। तो डिस्प्ले भी आपको दोनों फ़ोन में सेम मिल जाता है। अब बात है प्रोसेसर का, तो सैमसंग गैलेक्सी J8 में आपको स्नैपड्रैगन 450 मिलता है जिसका क्लॉक स्पीड है 1.6 GHz, और वही आपका On8 में उसका क्लॉक स्पीड है 1.8 GHz। तो थोड़ा सा यहाँ पर क्लॉक स्पीड का डिफरेंस है, अदरवाइज दोनों प्रोसेसर सेम है। पर अब देखो बेहतर थोड़ा सा भी आगे जाकर जा रहा है तो On8 ही जा रहा है, तो J8 से बेटर On8 यहाँ पर प्रोसेसर के मामले थोड़ा सा आगे वहाँ पर जा रहा है। यहाँ पर आपको 3500 mAh का बैटरी मिलता है J8 और On8 में, दोनों में सेम टू सेम आपको देखने को मिल जाता है। एंड्रॉयड ओरियो आपको दोनों में मिलेगा, GPU यहाँ पर काम में लिया गया माली का 830, दोनों ही फ़ोन में आपको सेम टू सेम देखने को मिल जाता है। आपको यहाँ पर फेस अनलॉक भी मिलता है भाई, मैं कैमरा की बात करना आपसे भूल गया। यहाँ पर आपको दोनों ही फोन्स में पीछे की साइड आपको 16+5 MP का डुअल कैमरा मिलेगा। इसका जो प्राइमरी कैमरा है 16 MP वाला, उसमें आपको 1.7 का एपर्चर मिल जाता है, प्लस आपका जो डेप्थ सेंसिंग वाला कैमरा है 5 MP का, उसमें 1.9 एपर्चर मिलेगा दोनों फोन्स में, फ्लैश भी है इसमें। अब बात है फ्रंट कैमरा का, फ्रंट कैमरा दोनों ही फोन्स में आपका 16 MP है जिसका एपर्चर है 1.9, साथ में यहाँ भी आपको फ्लैश मिल जाएगा। सैमसंग बोलता है बढ़िया भाई सेल्फी ले रहे हो तुम, थोड़ा अच्छे दिखो। तो यही है दोनों फोन्स में, आप सोच लो एक बार, कंपेयर कर लो, हर चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ, दोनों सेम टू सेम है भाई, कोई डिफरेंस नहीं है। अब पहले क्या होता था भाई On सीरीज में सैमसंग क्या करता था, AMOLED डिस्प्ले नहीं देता था, पर अब आपको दोनों ही फोन्स में AMOLED डिस्प्ले मिल रहा है, कैमरा सेम मिल रहा है, हर चीज़ यहाँ पर सेम मिल रहा है, प्रोसेसर अच्छा नहीं है। आपको अगर गेमिंग वगैरह करते हो तब तो ये बेकार है आपके लिए, पर अगर आपको सैमसंग ही लेना है और आप सोच रहे हो J8 लेने का ऑफलाइन मार्केट में जाके, तो मत लेना, 2,000 रुपया अपना बचाओ और जाके सैमसंग गैलेक्सी On8 ले लो। मैं आपको सैमसंग लेने के लिए कभी नहीं कहता हूँ, पर अगर आपको सैमसंग का ही लेना है और आप J8 लेना चाह रहे थे
तो ये आपके लिए एक बेटर ऑप्शन होगा कि आप अपना पैसा बचा लो, जे के जगह पर ऑन डाल लो और फ़ोन अपना 2000 रुपये कम में ले लो। सेम टू सेम मिलता है भाई, कलर वेरिएंट वगैरह हर चीज़, डिजाइन से लेके हर चीज़ सैमसंग यहाँ पर अपने यूजर्स को, यहाँ पर कस्टमर्स को बुड़बक बना रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए, सैमसंग वाले ना जाने क्या सोचते हैं, पर आज का जनरेशन हर कोई पहले इंटरनेट में जाके सर्च करता है कि कौन सा मोबाइल कैसा है, वो पहले हज़ार जगह देखता है, वेरीफाई करता है हर चीज़, तब जाके मोबाइल खरीदता है। पर सैमसंग को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो सैमसंग वालों आप गलत कर रहे हो, एक ही फ़ोन को आप दोबारा लॉन्च कर देते हो, नाम चेंज कर देते हो, 2000 रुपये प्राइस कम कर देते हो, मतलब ऑफलाइन वाले ज़्यादा पैसा भी देके खरीदेंगे, ये कहाँ का मजाक है, उनको तो आप ठग रहे हो भाई, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। तो भाई सैमसंग लवर्स, अगर आपको लेना है J8 तो आप जाके ले लो सैमसंग On8, वो भी ऑनलाइन, कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप घर से ऑर्डर करो, आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर लिंक मिलेगा, उससे आप सिंपली परचेज कर लो, इससे चैनल को थोड़ी बहुत हेल्प भी हो जाना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगता है तो एक लाइक इसे ज़रूर दे, इस वीडियो को हर सैमसंग लवर्स के पास यहाँ पर पहुँचा दो, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम सैमसंग के धोखे वाले फ़ोन से आपको हमेशा बचाने के लिए यहाँ पर आते रहते हैं। तो दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहे, खेलते रहे और बोलते रहे भारत माता की जय। धन्यवाद।